पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 10 जुलाई 2019 की एक ताज़ा खबर है और इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल पेंशनर्स अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देख लेते हैं कि क्या जानकारी यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन से संबंध में निकल गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 10 जुलाई 2019 को OROP के संबंध में लोकसभा में श्री एंटो एंटोनी ने प्रश्न पूछे थे और उसके जवाब में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दिए गए हैं वो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये पूछे गए थे कि क्या रक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कई सारी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। यदि शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उनसे जुड़ी हुई जानकारी और इन शिकायतों के बारे में सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। और उसके बाद में प्रश्न था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन रैंक वन पेंशन के कई लाभार्थियों को अभी तक उनकी देय राशि नहीं मिली, यानी लाखों ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक भी उनकी वन रैंक वन पेंशन की जो राशि है यानी जो पैसा है वो नहीं मिला है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी इन्होंने मांगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी के द्वारा क्या जवाब दिया गया है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 7 नवंबर 2015 को आदेश जारी किए थे जो कि 1 जुलाई 2014 से लागू हुए थे सभी डिफेंस के पेंशनर्स के लिए। फिर यहाँ पर बोला कि OROP योजना के कार्यान्वयन के संबंध में व्यक्तियों संघों से लगभग 3200 यानी 3200 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं सरकार को और जिनकी जाँच की गई और मामलों को OROP पर गठित न्यायिक समिति को भेज दिया गया था। तो यहाँ पर लगभग 3200 शिकायतें सरकार को मिली हैं और जिनको न्यायिक समिति के पास सरकार ने भेज दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने बोला कि लगभग 2060220 डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 7 नवंबर 2015 के आदेश के अंतर्गत कवर होते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन का लाभ प्रदान किया गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला है कि सभी को भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इतने पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज की जा चुकी है लेकिन उनको जो पैसा उनका है यानी जो देय राशि है उसका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी यहाँ पर लोकसभा में नहीं दी गई है क्योंकि लाखों ऐसे पेंशनर्स और डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक भी वन रैंक वन पेंशन की जो राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर निकल के आई है कि लगभग 3200 शिकायतें मिली हैं सरकार को वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी हुई। उसके बाद में लगभग 2060000 डिफेंस के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जा चुका है 10 जुलाई 2019 तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।